नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। कोरोना के कहर को देखते हुए पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है और जरूरत के सामानों के खरीदी बिक्री के लिए हर जिले में एक समय निर्धारित किया गया है। बावजूद कुछ लोग अपने मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, एक ऐसा ही मामला सामने आया है बलौदा बाजार जिले के ग्राम पंचायत सरसीवा से, जहां बिना परमिशन के दुकान खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना के कहर को देखते हुए पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है और जरूरत के सामानों के खरीदी बिक्री के लिए हर जिले में एक समय निर्धारित किया गया है। बावजूद कुछ लोग अपने मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, एक ऐसा ही मामला सामने आया है बलौदा बाजार जिले के ग्राम पंचायत सरसीवा से, जहां कुछ दुकान संचालकों द्वारा बिना परमिशन के दुकान को खोल दिया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। मामले की सूचना जैसे ही बिलाईगढ़ तहसीलदार ममता ठाकुर को मिली, तहसीलदार अपने दल बल के साथ ग्राम पंचायत सरसीवा पहुंच गई। वहीं तहसीलदार को देख कुछ दुकान संचालक अपने दुकान का शटर बंद करते नजर आए, जिसके बाद बेवजह दुकान खोलने वाले व्यापारियों से 500 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही तहसीलदार ने व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिन लोगों को परमिशन मिला है वही अपनी दुकान खोलें, साथ ही प्रशासन द्वारा दिए गए समय अवधि और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें, अन्यथा दुकानें सील की जाएंगी। सरसीवा में बहुत शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं अपनी दुकान थोड़ा सा सड़क खोल के या ग्राहक को अंदर करके चोरी छुपे सामान वितरण कर रहे हैं। ऐसे सामान अभी वितरण कर रहे हैं जिसपे अभी शासन ने बैन लगाया है, उसके बावजूद उनके द्वारा चोरी छुपे बेचने की शिकायत आ रही थी। और जो कई किराना दुकान है जिनके लिए निर्देश जारी हुआ है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क लगा के करे और एक एक मीटर की दूरी में सर्कल बना के लोगों को, ग्राहकों को जागरूक करते हुए उनसे सामान विक्रय करे, पर ऐसा किसी भी दुकान द्वारा नहीं पालन हुआ। ऐसे दुकानदारों को जुर्माना किया गया है, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो सील वील करें कार्रवाई होगी और जो भी और कानूनी कार्रवाई उसके तहत उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो क्योंकि शुरुआत है तो हमने सभी दुकानों पर 500 रुपए का जुर्माना किया है। सरसीवा से हेमंत बंजारे की रिपोर्ट, एशियन 24।